विधायक बन के आए तो 250 रुपये विधायक का वेतन था, 25 रुपये रोज जब विधानसभा चलती थी तो भत्ता था। तो आप 250 रुपये महीने में एक विधायक कितना काम कर, मतलब क्या कर, तो हमको उसी सीमित खर्चे के सब काम करने थे, उसी में लोगों की शादी ब्याह में जाके न्योता भी करना था, उससे अपनी यात्रा का भी खर्च निकालना था। हाय, वेलकम टू माय चैनल लाइफ ऑफ पॉलिटिशियंस। आज मैं प्रेम बघेल फिर नए एक एपिसोड के साथ आपसे जुड़ने जा रहा हूँ। आज जो स्टोरी हम कवर करने जा रहे हैं वो स्टोरी अपने आप में एक इंस्पिरेशन है बहुत लोगों के लिए। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के बहुत ही सीनियर लीडर, जो 7 बार विधायक, 4 बार कैबिनेट मिनिस्टर और आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राज्यसभा सांसद हैं। आज हम उनसे जानेंगे उनकी पर्सनल स्टोरी, उनकी बैक स्टोरी, उनकी संघर्ष की कहानी और उनके यंगर डेज के बारे में। तो चलिए आइए मिलते हैं श्री अशोक वाजपेयी जी से। सर, वेलकम टू आवर चैनल लाइफ ऑफ पॉलिटिशियन। वेलकम टू आवर चैनल। आज सर से सर की बैक स्टोरी के बारे में बात करेंगे, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करेंगे, उनकी संघर्ष की कहानी उन्हीं की जुबानी। वीडियो को स्टार्ट होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वी रियली नीड योर सपोर्ट, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सर, आज आपका हमारे चैनल लाइफ ऑफ पॉलिटिशियन में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपके समय के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी जहमत उठाई और आए। सर, अब शो की शुरुआत करने जा रहे हैं, आपकी पॉलिटिकल जर्नी की बात हो रही है, आपके राजनीतिक सफ़र की बात हो रही है, तो कोई भी सफ़र शुरू होता है तो हम शुरुआत से शुरू करना चाहेंगे। सर, आपका बचपन कैसा रहा और आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था? मेरा बचपन ग्रामीण परिवेश में बीता जी। मेरे पूज्य पिता एक किसान थे जी। ग्रामीण जीवन था जी। खेती मुख्य रोजगार था, उसी पर पूरा परिवार आश्रित था, सबकी पढ़ाई लिखाई सब उसी पर। मेरे पिताजी राजनीति में भी रुचि रखते थे और उस समय कांग्रेस के बहुत सक्रिय लोगों में से थे जी। और काफ़ी समय वो कांग्रेस की जिले की राजनीति में देते थे, उनका एक प्रमुख स्थान भी था। लेकिन मेरा तो ग्रामीण जीवन जी। पियानी से हरदोई, मेरे गांव से 5 किलोमीटर पियानी था, गांव में प्राइमरी पाठशाला था, प्राइमरी शिक्षा वहाँ से प्राप्त की जी। और जूनियर हाई स्कूल पियानी से मैंने कक्षा 8 उत्तीर्ण किया जी। और उसके बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल से हाई स्कूल किया जी। और इंटर कॉलेज के लिए RR कॉलेज था, उससे इंटरमीडिएट किया, फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी आ गए और लखनऊ यूनिवर्सिटी से आगे की शिक्षा दीक्षा हुई। विद्यार्थी जीवन से ही सामाजिक कार्यों में अभिरुचि रहती थी जी। गांव के भी लोगों की कठिनाइयाँ, सरोकार, उनसे जुड़ने में जी। और सामाजिक समस्याओं से कैसे समाधान हो, इसकी चिंता मैं प्रारंभ से ही करता था। विद्यार्थी जीवन के साथ साथ NCC मेरी अभिरुचि थी जी। और मैंने NCC का सी सर्टिफिकेट इंटरमीडिएट करते करते प्राप्त कर लिया था जी। तो उस समय इंटर पास करने के बाद जब मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में BSc में दाखिला लिया जी, तो उसी समय शॉर्ट सर्विस कमीशन का एक इंटरव्यू निकला वांट्स, मैंने उसमें अप्लाई किया, मेरा सिलेक्शन यहाँ हो गया। फिर बेंगलोर में फाइनल सिलेक्शन था, उसी में ऑब्स्टिकल कराते हैं सिलेक्शन के बाद, तो उसमें ऑब्स्टिकल मेरे पैर चोट आ गई, तो मुझे 1 महीने के लिए उन्होंने कहा कि आप दोबारा आइए, तब आपका ये फिजिकल होगा, तब आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो उस तरह से फिर वो मेरा, फिर मेरे घर परिवार का दबाव था, ख़ासतौर से मेरी माता जी का जी, कि नहीं जाना है सेना में। तो मेरी अभिरुचि थी, बहुत मन था सेना में जाने का, लेकिन वो होते होते रह गया। फिर वो पढ़ाई के साथ साथ छात्र राजनीति से जुड़ता गया जी। और छात्र राजनीति में सक्रिय भागीदारी के चलते पढ़ाई भी प्रभावित होती थी, और इस चलते मुझे MSc कंप्लीट न करके बाद में मुझे MA में दाखिला लेना पड़ा, क्योंकि MSc में रेगुलर प्रैक्टिकल और सारी चीज़ें जी। और विश्वविद्यालय में राजनीति में रोज हड़ताल, संघर्ष ये वो जी। तो मैंने BSc के बाद फिर MA पॉलिटिकल साइंस में और MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किया, और फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने PhD किया लखनऊ विश्वविद्यालय से। दूसरे और भी डिग्रियाँ, LLB किया, BPA किया, कई सारा शिक्षा का कार्य वहाँ से। जब मैं MA फाइनल का विद्यार्थी था तभी देश में आपातकाल लग गया जी। आपातकाल लगने के बाद
मैं संघर्ष समिति में था, जयप्रकाश जी की जो ऑल इंडिया एक्शन कमेटी थी उसका मेंबर था। तो मेरी पहले दिन से ही तलाश शुरू हुई और मैं गिरफ्तार हुआ, जेल चला गया। मेरा एमए फाइनल कवाइबा जेल से हुआ। मुझे आज भी याद है, चेन्नई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सिसादरी आए थे मेरा वाइबा लेने के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी में। तो मैं जेल से पुलिस कस्टडी में पूरे लाव लश्कर के साथ गया था वाइबा देने। उसके बाद जेल से जब छूटा तो मुझे लोकसभा का प्रत्याशी पार्टी भी बनाना चाहती थी जनता पार्टी की, जो शीर्षस्थ नेता थे, और मेरा भी मन लोकसभा लड़ने का था। लेकिन कुछ तात्कालिक परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि मेरा फाइनल होने के बाद भी अंतिम निर्णय, क्योंकि उस समय कई पार्टियां मिलकर के जनता पार्टी बनी थी जी, तो भाजपा के एक प्रत्याशी जो वहाँ पहले चुनाव लड़ चुके थे जी 71 में, और कांग्रेस के मुकाबले नंबर दो रहे थे, क्योंकि उस समय लोकदल और भाजपा मिलकर चुनाव लड़ी थी जनसंघ, वो जेल से छूटे और उनके लिए पार्टी पूरी भाजपा के मतलब जनसंघ पार्टी के नेतृत्व ने दबाव दे करके उस पर कोई तैयारी नहीं, कहा कि हम ये सीट नहीं छोड़ेंगे। अल्टीमेटली मुझे वहाँ से हटना पड़ा, लखनऊ आया पार्लियामेंट के लिए। लखनऊ में भी मेरा फाइनल हो गया लखनऊ वाली पार्लियामेंट सीट से, लेकिन उसी समय CFD बनी थी, बहुगुणा जी और जगजीवन राम कांग्रेस छोड़ के आए थे जी। तो इन लोगों ने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी एक पार्टी बनाई थी जी, और बहुगुणा जी ने कहा कि मैं तो लखनऊ से ही चुनाव लड़ूंगा। और उस समय ये दोनों लोग जो राजनीतिक माहौल बनाने में इनकी बड़ी भूमिका थी कि कांग्रेस छोड़ करके आए और जनता पार्टी में शामिल हुए, तो जनता पार्टी का जनाधार भी बढ़ा और लोगों में उसकी चर्चा कांग्रेस के अगेंस्ट बहुत हुई। तो इस नाते अल्टीमेटली पार्टी ने इनको लखनऊ से बहुगुणा जी को जी। फिर मुझे चौधरी साहब ने कहा और सारे नेताओं ने कि अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, 25-26 साल उम्र है, बहुत मौके आएंगे, मजबूरी है, हम लोग चाहते थे तुमको लड़ाना, लेकिन हम आगे देखा जाए। 2-3 महीने बाद विधानसभा का चुनाव घोषित हुआ जी, मुझे बिना मांगे ही टिकट विधानसभा का मिल गया 77 में, और मैं विधायक बन गया जी। आप सबके सहयोग से, ऊपर वाले की कृपा से, नेतृत्व का आशीर्वाद था, मुझे मंत्री पद मिल गया जी। मैं उत्तर प्रदेश सरकार का उच्च शिक्षा मंत्री बन गया। मुझे काम करने का भी भरपूर अवसर मिला, जनता के बीच सेवा करने का। तो वहाँ से राजनीतिक सफर चला, 80 आते आते जनता पार्टी बिखर गई जी। जनता पार्टी वहाँ पर पहले मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, उनसे बगावत करके चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, और कांग्रेस के खेल में पूरी जनता पार्टी बिखर गई जी। और नतीजा ये हुआ कि जनता पार्टी टूट करके लोकदल बनी, और एक घटक उसका भारतीय जनता पार्टी बना, और एक जनता पार्टी मूल में रह गई जी। तो हम लोगों ने उस समय ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में चौधरी चरण सिंह का प्रभाव भी था, और वैचारिक रूप से भी हम लोगों ने चौधरी चरण सिंह का साथ दिया, लोकदल में आए जी। जी लोकदल का गठन हुआ उत्तर प्रदेश में 80 में, जब पार्टी जनता पार्टी टूटी जी। तो 80 में चौधरी चरण सिंह ने मुलायम सिंह को उत्तर प्रदेश लोकदल का अध्यक्ष बनाया और मुझे उत्तर प्रदेश युवा लोकदल का अध्यक्ष बनाया जी। तो सरकार से हटने के बाद मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पार्टी संगठन की मिली जी। मैंने मेहनत करके पूरे प्रदेश में युवा लोकदल को एक मजबूत संगठन और मजबूत जनाधार के साथ खड़ा किया, और सौभाग्य से उसमें अधिकांश मेरे बनाए हुए जिला अध्यक्ष, महामंत्री, बाद में विधायक और मंत्री बने, और अभी तक वो श्रृंखला चली आ रही। बहुत सारे लोग उसी टीम के आज भी अध्यक्ष और मंत्री कहना मंत्रिमंडल में रहे। फिर जन समाजवादी पार्टी, फिर लोकदल भी बाद में बिखरा, और लोकदल आ और लोकदल बा बन गया। उस समय ये हमको तय करना था, लोकदल अजीत सिंह आने के बाद जी, अजीत सिंह के नेतृत्व में लोकदल आ और बा बना बाकी। तो हम लोगों ने मुलायम सिंह के साथ रहना पसंद किया, मुलायम सिंह के साथ आ गए तभी से, और नतीजा हुआ कि थोड़े दिन चलने के बाद VP सिंह ने कांग्रेस में बगावत किया, तमाम बोफोर्स कांड को लेकर के हाइप तो हुआ, मचा राजनीति में। तो लोगों को लगा कि VP सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस को हटाया जा सकता है, क्योंकि 80 में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था, पूर्ण बहुमत ही नहीं, अखंड बहुमत मिला, अखंड बहुमत, और इंदिरा जी की हत्या के बाद 84 में उससे विशाल बहुमत राजीव जी के। तो लगातार 10 साल से कांग्रेस सत्ता में बड़ी मजबूती के, तो उसे हटाने के लिए जैसे प्रयोग 77 में हुआ था जनता पार्टी के रूप में, तो तमाम सारे दलों ने प्रयास करके कि जनता दल का गठन किया, और जनता दल जी के अध्यक्ष के रूप में VP सिंह को स्थापित किया गया, और फिर VP सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। तो फिर लोकदल, समाजवादी पार्टी, लोकदल आ बा, सारे लोग जी, और दूसरी पार्टियां मिलकर के
और जो जनता पार्टी थी उस समय बची हुई जनता पार्टी जी, वो सब ने मिल करके जनता दल बनाया और जनता दल और भारतीय जनता पार्टी ने मिल के चुनाव लड़ा 89 का जी। तो उसमें 89 में मुझे पार्लियामेंट में जाना था, 100% तय था, लेकिन मेरे मित्रों ने, खासतौर से मुलायम सिंह ने और ज्योतिर्मन ने कहा कि वाजपेयी जी क्या करोगे दिल्ली जाके, यहाँ सरकार बनेगी और आप वरिष्ठ मंत्री होगे, और उनके लालच में फिर मैं रह गया और मैं 89 में पार्लियामेंट चुनाव नहीं लड़ा, मैं विधानसभा में जीता और फिर मैं उत्तर प्रदेश का संपूर्ण शिक्षा मंत्री बना जी, सारे विभागों का जी। फिर सरकार 91 में चली गई, जब वहाँ मंदिर पे मस्जिद पे गोली चली, वो सरकार का मैं मंत्री था, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, वो सरकार वहाँ फिर निकल गई, भंग कर दी गई। सरकार के भंग होने के बाद समाजवादी पार्टी, जनता दल टूटने के बाद समाजवादी पार्टी का रूप सजपा के रूप में हो गया, समाजवादी जनता पार्टी, और चंद्रशेखर जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मुलायम सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे और मैं उसका प्रदेश का वरिष्ठ उपाध्यक्ष था जी। तो हम लोगों ने थोड़े दिन बाद ये लगा कि मुलायम सिंह को और समाजवादियों को कि चंद्रशेखर जी से अलग होकर के पार्टी बनाई जाए जी। तब प्रिय निर्णय हुआ कि समाजवादी पार्टी गठन किया जाए जी। तो हम लोगों ने 92 में समाजवादी पार्टी, नवंबर 92 में समाजवादी पार्टी का, आप उसके हिस्सा रहे जब पार्टी का संस्थापक, हाँ संस्थापक सदस्यों में से। तो हम लोगों ने उसमें तमाम सारे प्रयास ये था कि देश भर के जितने समाजवादी लोहिया जी के साथ, जयप्रकाश जी के साथ, नरेंद्र देव जी के साथ जो बिखरे हुए समाजवादी हैं, उन सबको इकट्ठा करके एक मंच पर लाया जाए। हालांकि वो पूरा प्रयोग सफल नहीं हुआ, लेकिन बड़े हद तक उत्तर भारत के समाजवादियों को जोड़ने की कोशिश की गई और समाजवादी पार्टी बनी। समाजवादी पार्टी बनने के बाद उत्तर प्रदेश फिर बड़ी चुनौती थी, जनता दल था जो बड़ा हिस्सा था जनता दल का, जो जिसमें वीपी सिंह, शरद यादव ये सारे नेता थे और जनता दल था, अजीत सिंह सारे लोग, और उधर हम लोगों का समाजवादी पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी थी जी। तो उस समय समाजवादी पार्टी को लगा कि अगर हमको मजबूत से लड़ाई लड़नी है जी। तो फिर बहुजन समाज पार्टी के साथ, उभरती हुई बहुजन समाज पार्टी थी, और मैं समझता हूँ वो भी एक राजनीतिक भूल थी जी। अगर उस समय बहुजन समाज पार्टी समझौता न होता जी। तो बहुजन समाज पार्टी इस रूप में नहीं आती, इतनी ताकत उसको नहीं मिलती। लेकिन बहुजन समाज पार्टी से समझौता हुआ और उत्तर प्रदेश का चुनाव सपा समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ी। चुनाव में 174 सीटें आईं, बहुमत नहीं मिला, लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से सरकार मुलायम सिंह के नेतृत्व में बनी। लेकिन वो सरकार भी 6-7-8 महीने चली जी। और फिर वहाँ मायावती का भाजपा से समझौता हुआ और समझौते में मायावती मुख्यमंत्री बनी, तो सरकार भी बिखर गई। ये सिलसिला एक लंबा राजनीति का है जी, जी। इस पर अगर आप चर्चा करेंगे तो बहुत समय लगेगा। आप विषय पे आइए, तो अगर आपने अतीत की बात की है तो जी, बिल्कुल बिल्कुल बहुत यही सब जानने के लिए सर ये हम आप तक आए हैं आज। तो ये उसके बाद समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी के रिश्ते खत्म हुए, टूटे। फिर लगातार इस बात का प्रयास होता रहा कि समाजवादी पार्टी फिर से कैसे सत्ता में आए, और इसके लिए फिर होते होते 2002 में जी। समाजवादी पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उत्तर प्रदेश में उभरी, लेकिन 142 सीटें आई जी। 400 की विधानसभा में 142 सीटें बहुमत से बहुत दूर थी जी। तो सरकार नहीं बन सकी, उधर फिर बहुजन समाज पार्टी और भाजपा सब मिल करके सरकार बन गई। कांग्रेस में जो लोग दल बदल करके आए उन लोगों के साथ मिल करके सरकार बन गई जी। लेकिन 2003 आते आते भारतीय जनता पार्टी और मायावती के बीच फिर विवाद हुआ जी। और वो पार्टी, वो गठबंधन टूटा, फिर समाजवादी पार्टी की सरकार 2003 में फिर बनी। उस सरकार में भी मैं मंत्री था, मेरे पास दो कई विभागों का कार्य भी था। तो इस तरीके से, लेकिन ये सिलसिला चलता रहा समाजवादी पार्टी का, जब से गठन हुआ तब से मैं पार्टी के संगठन से जुड़ा रहा जी। मुलायम सिंह उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मैं उनका महामंत्री था जी। तो उनके साथ लंबे समय से काम करने का अवसर प्राप्त हुआ, हाँ मौका भी मिला और अनुभव भी रहा और उनका भरोसा भी रहता था। लेकिन जब लगातार 25 वर्ष तक 1992 से लेकर के जब समाजवादी पार्टी गठन हुआ और 2017 तक, जब तक मुलायम सिंह पार्टी के अध्यक्ष थे, मैं उनका महामंत्री था जी। लेकिन जब तत्कालीन जो इस समय वर्तमान में भारतीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
उन्होंने मुलायम सिंह को ही, जो उनके पूज्य पिता थे, उन्होंने ही उनको मुख्यमंत्री बनाया। पूरी पार्टी जिन्होंने बनाई संघर्ष कर, उन्हीं को अलग कर दिया और उनको बिल्कुल पदच्युत ही नहीं किया, उनको अपमानित करने का काम किया। तो फिर हम लोगों ने वहाँ से लगा कि अब नेताजी के जब सम्मान नहीं है तो हम लोग नेताजी से जुड़े हैं, तो ये लगा कि हम लोगों के साथ भी। तो राजनीति स्वाभिमान के लिए की जाती, सम्मान के लिए की जाती है। तो मैंने उन स्थितियों में, मैं समय विधान परिषद का सदस्य था, मैंने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया जी। पार्टी से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद काफ़ी चिंतन और विचार हुआ आपस में सारे कार्यकर्ताओं के साथ जुड़कर क्या किया जाए। दो ही विकल्प थे, या तो उत्तर प्रदेश की राजनीति से हम संन्यास ले लें, और या दूसरा विकल्प था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ें, कम से कम और कुछ हो ना हो। राष्ट्रवाद की बात तो करती है, राष्ट्रीयता की बात करती है, भारतीय गौरव की बात करती है, हमारी संस्कृति और संस्कारों की बात करती है। तो वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी साथियों का, कार्यकर्ताओं का इच्छा थी कि भारतीय जनता पार्टी। तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने भी हमको बहुत समुचित सम्मान दिया और मेरी ज्वाइनिंग भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं के माध्यम से उनकी उपस्थिति में हुई और उन लोगों ने मुझे सम्मान दिया और उसके बाद मुझे राज्यसभा भेजने का काम किया जी। तो आज मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सक्रिय उम्मीदवार हूँ। तो अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव हुआ था जब मैंने समाजवादी पार्टी छोड़ी थी, लेकिन एक लंबे 40-45 साल के राजनीतिक सफर में पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ, वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ, व्यक्तिगत प्रतिबद्धता नहीं, व्यक्तिगत सम्मान था नेताजी का, लेकिन प्रतिबद्धता वैचारिक थी। लेकिन उससे जब मैं छोड़ा तो आज मैं पूरी निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और जो पार्टी के निर्देश होते हैं उनका अनुपालन करता हूँ। और ये अंतिम राजनीतिक सफर है कि इसमें अब भारतीय जनता पार्टी ही मेरी पार्टी है और हमेशा रहने वाली। सर, आप कई दलों के हिस्सा भी रहे, कई के संस्थापक भी रहे, कई दलों के, तो सर पार्टियों की अपनी एक विचारधारा होती है अपनी पार्टी को आगे ले जाने के लिए या लोगों के हित में काम करने के लिए। पर सर, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने निजी जीवन में, आप राजनीति को किस रूप में परिभाषा क्या रहेगी उसकी? देखो, मेरा तो राजनीतिक जीवन आज के मूल्यों से बहुत भिन्न है या बहुत उसको जी, क्योंकि हम लोग जब राजनीति में आए थे जी, एक सेवा भाव से आए थे जी, समाज के दबे पिछले लोगों की, कमजोर लोगों की सेवा करेंगे जी, पिछलेपन को दूर करने के लिए काम करेंगे और जो वंचित वर्ग है उसके लिए कुछ कर सकें, और जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र बहुत उपेक्षित है उसका विकास कैसे हो, वहाँ शिक्षा के साधन नहीं है, आवागमन के साधन नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, कैसे उसे विकसित किया जाए। तो उन सबका एक माध्यम कैसे उसको लिए, व्यक्तिगत हमारे प्रयास उतने सफल नहीं हो सकते। तो राजनीतिक रूप से जब हम किसी सदन के सदस्य होंगे तो अपनी बात को ज़्यादा प्रभावी ढंग से रख सकेंगे और हमारी बात का प्रभाव होगा, इस उद्देश्य से राजनीति में आए। लेकिन विशुद्ध उद्देश्य सेवा था और उसी सेवा भाव से आए। और हम लोग तो ये मानते थे या तो देश बना ले या घर बना ले, नेता दोनों काम नहीं कर सकता। तो हम लोग देश बनाने के लिए आए थे, कभी घर बनाने के लिए। कभी मैंने इतने लंबे राजनीतिक जीवन में 1 बीघा जमीन खेती की नहीं खरीदी, मैंने कोई उद्योग नहीं लगाया, कोई संस्था नहीं खड़ी की। पूरा लंबा जीवन राजनीति का सफर केवल समाज को समर्पित रहा और जो जनता का विश्वास मिलता रहा, विधायक बनता रहा, तो उससे जनता की सेवा करता। तो उस तब उसका मान, अच्छा तब इतनी अपेक्षाएं नहीं थी, इतनी आवश्यकताएं नहीं थी, राजनीति में इतना वैभव नहीं था। चारबाग से उतरते थे, स्टेशन से रिक्शा करते थे, 2 रुपए में रिक्शा पहुंचा देता था, विधानसभा गए, विधानसभा अटेंड की, कहीं किसी मंत्री के यहाँ काम है तो रिक्शा पे बैठे वहाँ। न गाड़ी थी, न साधन थी, न चिंता थी इसकी। सुंदर जो हम लोगों के कमरे मिलते थे दारुलसफा में आवास, उन आवास में भंडारा चलता था, जो कार्यकर्ता आता था जमीन पे दरी बिछी है उसी, वो भी सो रहा है उसी भंडारे में, सब खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं। तो एक अपनापन था। तब की राजनीति में लोगों से व्यक्तिगत रिश्ते थे, लोगों के सुख दुख से जुड़ाव था। संचार संवाद इतने माध्यम नहीं थे, न टेलीफोन था, न मोबाइल था कि हम वहीं बैठे बैठे हाल पूछ लें। हम गांव जाते थे, गांव के लोगों से मिलते थे, वहाँ किस परिस्थितियों को, बाढ़ आई है तो क्या क्या कठिनाई लोगों के पास है, किसके पास खाने का सामान नहीं, किसके पास जलाने का ईंधन नहीं, कहाँ उसका क्या समाधान हो सकता है, सूखा पड़ा है। तो अब वो चीज़ें, अब तो आजकल तो सारी चीज़ें वर्चुअली हो जा रही हैं, यहीं से बैठे बैठे संवाद हो जा रहा है, यहीं से बैठे बात हो जा रही है जी। तब हम सबको इन कामों के लिए जाना पड़ता था, संसाधन नहीं थे। मोटरसाइकिल पर बैठ करके कहीं बरसात के दिनों में हाथी पे सवारी करके गांव-गांव जहां पानी भरा रहता, तब रास्ते नहीं थे जब शुरू में,
77 में आए तो कहीं रास्ते नहीं थे, कमर से पानी होता था, हाथी की सवारी जो स्थानीय लोगों के हाथी कुछ उस समय पुराने जमींदारों को उनसे मांग लेते थे, दो दिन चार दिन, और उससे क्षेत्र घुमा, मोटरसाइकिलों पर घूमते थे, तब साधन नहीं थे। तो एक, लेकिन वो व्यक्तिगत संवाद और व्यक्तिगत रिश्ते जो थे वो मैं समझता हूँ कि राजनीति का ही नहीं, एक एक पर्सनल बॉन्डिंग होती थी जी। जब हम गांव जाते थे कि ये तो था नहीं, गांव से शहर से हमारा क्षेत्र 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर होता था, साधन भी नहीं थे, तो उस नाते अगर हम जाते तो एक हफ्ता भर के लिए जाते थे। अगर जीप में सामान रखा तो अटैची रखी, उसमें 7-8 जोड़ कपड़े रखे, आज की रात यहाँ रुके, यहीं खाना खाया, यहीं सो गए, कल की रात वहाँ रुके, परसों रात। आजकल कोई कार्यकर्ता गांव में रहना चाहता है, व्यक्तिगत व्यवहार जोड़ा जाता है। हाँ, व्यक्तिगत व्यवहार, और वो एक आज भी जुड़ा हुआ है, पीढ़ियां बदल गई। मैं तो कह रहा हूँ कि इस लंबे अंतराल में मेरे क्षेत्र में जाता हूँ तो उनके बाबा मेरे साथ थे, उनके पिताजी रहे, अब उनका बेटा भी, क्यों, वो परंपरा के तो लोग जी। उनके बाबा कह गए हैं कि देखो जब तक वाजपेयी जी हैं उनका साथ कर रहा। तो आज भी जबकि मैं वहाँ प्रत्याशी नहीं हूँ, वहाँ का मैं सांसद विधायक नहीं हूँ, लेकिन अभी भी आप जुड़े रहे, आज भी जुड़ा हूँ, आज भी जुड़ा हूँ, और वो जुड़ाव कभी कम नहीं हो सकता क्योंकि व्यक्तिगत हो गया है। और आज की राजनीति का जुड़ाव तो पार्टी के नाम पर, नेता के नाम पर, नेतृत्व के नाम पर, चुनाव जीतने के बाद बहुत कम लोग हैं जो लौट के जनता से जुड़ते हैं क्षेत्र में, और हम लोग तो क्षेत्र में ही घुमा करते थे, वहीं आना जाना, उन्हीं के बीच रहना जी। उन्हीं के साथ कहते थे ना समाजवादी लोहिया जी का लोक भाषा लोक भूषा, तो सारा उन्हीं की भाषा में बात करना, उन्हीं की तरह लोक भोजन, साथ मिलके खाना खाना, सादा पहनावा। तो आजकल का देखो तो अब सब सोशल मीडिया के हिसाब से होता है, हाँ। कि मीडिया पे कुछ और अपनी पर्सनल व्यक्तिगत लाइफ कुछ है। तो वो बहुत बड़ी अंतर आया है, समय के साथ अंतर आना भी चाहिए, नई पीढ़ी नया युग है, सारी चीजें हैं, अब आज सारी चीजें वैश्विक स्तर पर हम लोग देखते हैं, तब सीमित संसाधनों में कैसे रहा जाए, और राजनीति में तब इतना सारी अपेक्षाएं भी नहीं थी। अब मैं जब विधायक बन के आया तो 250 रुपये विधायक का वेतन था, 25 रुपये रोज जब विधानसभा चलती थी तो भत्ता था, तो आप 250 रुपये महीने में एक विधायक कितना काम कर, मतलब क्या कर, तो हमको उसी सीमित खर्चे के सब काम करने थे, उसी में लोगों की शादी ब्याह में जाके न्योता भी करना था, उससे अपनी यात्रा का भी खर्च निकालना था, आने जाने वाले कार्यकर्ताओं का भोजन इत्यादि, वो तो गाँव से गेहूँ चावल धान आ जाता था तो गाँव के कारण वो भंडारा चलता रहता। वही स्थिति हरदोई में भी थी, मेरा घर था वो धर्मशाला ही लोग कहते थे, क्षेत्र का धर्मशाला, और कुछ नहीं, एक मैंने 15-20 तखत और 20-25 चारपाइयाँ, आते थे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग होते थे सोपाकी होते थे, खुद खाना बनाते थे जी। तो मेरे लान था बड़ा सा, मतलब आगे जगह बहुत थी, बरामदा, हाँ तो, नहीं बरामदा नहीं, खुला भी मैदान था, बरामदा था, तो वहीं में कोई अपनी बाटी बना रहा है, कोई चोखा बना रहा है, कोई खा रहा है, कोई हमारे बाकी जो लोग घर में खाने वाले को घर से खाना बन के आ रहा है, तो एक साधारण सा जीवन था। सर जब आपकी युवा अवस्था थी, जब आपने राजनीति में सक्रिय हो गए थे आप, तो सब परिवार का क्या आपकी राजनीति को लेके राय थी कि जाना है राजनीति अच्छी, क्योंकि कई बार माना जाता है कि परिवार को पसंद नहीं होता कि राजनीति बहुत गंदी चीज़ है, राजनीति से दूर रहो, तो सर आपके घर में कुछ ऐसा था? देखिए मेरा दो चीज़ें हुई, मैंने कहा ना मेरे पूज्य पिताजी जी वो कांग्रेस में सक्रिय थे जी, और मैंने कभी कांग्रेस से मेरा कोई जुड़ाव नहीं रहा, जब पिताजी का घर में मेरा कांग्रेसी वातावरण था जी। लेकिन मैं पहले दिन से ही, जैसे मैं विद्यार्थी था जी, मुझे याद है 67 का चुनाव था जी, और 67 के चुनाव में मेरे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी, उस समय जनसंघ का जो उम्मीदवार था वही कांग्रेस की टक्कर में चुनाव लड़े, और हम उस समय इंटरमीडिएट के छात्र थे जी, और हमने उस समय चुनाव के टाइम छुट्टी हो गई थी, 4-6 दिन की छुट्टी थी, पूरा मेहनत करके अपने गांव में साइकिल से आसपास के गांव में घूम घूम के हमने उनका प्रचार किया, गंगा भक्त सिंह का जो जनसंघ के उम्मीदवार थे, और पहली बार वहां से कांग्रेस हारी, मेरे पिताजी दौरा कर रहे थे कांग्रेस का, और मैं अपने नौजवान लड़कों नए लड़कों की टीम बना करके भाजपा के जनसंघ के लिए काम किया, पिताजी के अगेंस्ट, हाँ मतलब ये शुरू से ही था कि कांग्रेस के प्रति मेरा कभी भी वैचारिक साम्य नहीं रहा, और कभी भी एक दिन को भी मैं कांग्रेसी। तो घर में पिताजी तो कहते होंगे तेरे को कांग्रेस में आना चाहिए, आपको ऐसा कुछ होता था? ऐसा होता था कई बार, वो आते थे तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था वो, तो कमलापति से मिलने जरूर जाते थे जी, अगर वहाँ से हमारे यहाँ गुजिया उजिया बड़ी अच्छी बनती थी उस समय कोए की, तो अगर मेरे यहाँ 1 किलो लाते थे तो 2 किलो ज़्यादा 2.5 किलो गुजिया कमलापति जी के लाते थे, कई बार हमको ले के गए, चलो मैं हॉस्टल में रहता तो हॉस्टल से ले आए, और ले आ करके कुछ सामान वामान हमें खरीदवाना रहता था, और बाद में
वहाँ कमलापति त्रिपाठी के घर तक जाना, वहाँ बाद में 77 में कमलापति जी के बगल वाला एक कोठी मुझे मिली जब मैं जीत गया तो वो एकदम जुड़ी जुड़ी। तब मेरे पिताजी अक्सर रहते तो हम आते जब आते थे गांव मेरे यहाँ रहते थे, लेकिन शाम होते होते वो कमलापति जी के यहाँ 2 घंटे की बैठक है। मतलब कांग्रेस से उन्होंने कभी साथ छोड़ा नहीं, कांग्रेस का नहीं छोड़ा। लेकिन मैंने कहा ना कि तो उस तरह से मेरे पिताजी तो राजनीतिक पृष्ठभूमि से थे और पिताजी के साथ लंबे समय से माताजी रहते रहते उनका भी राजनीति से कोई बहुत परहेज नहीं था, लेकिन वो चाहती थी मेरा जैसा। उस समय हर माँ बाप चाहते हैं और खासतौर से माँ चाहती बेटा पढ़ लिख जाए और पढ़ लिख के नौकरी करे कहीं अच्छे से सुंदर। तो राजनीति में उन्होंने कहा तुम्हारे पिताजी ने पूरा घर बर्बाद किया, न खेती देखे न पाती देखे, रोज हरदोई रोज लखनऊ रोज दिल्ली या चक्कर काटते रहते हैं, और हम लोगों ने कैसे कैसे तुम्हारी सबकी पढ़ाई कराई, हम भाई बहन थे सबको पढ़ाना सबको लिखाना सब कुछ, तो वो सब बड़ा कठिनाई के दौर माता जी ने देखा था। उन्हें राजनीति नहीं पसंद थी वो, कई बार तो ऐसा हुआ कि मैं पार्टी के कार्यक्रमों में गया तो उन्होंने कई बार मेरे खादी के कपड़े जो मेरे पैंट शर्ट खादी का मैं उस समय शौक थी पहन तो वो गायब उठा के ही फेंक देती थी, कहती थी ये खादी ने हमारे घर को बर्बाद किया, ये उनका भाव रहता था। लेकिन जब शादी मेरी हुई नहीं थी जब मैं विधायक बना। अच्छा आप मेरी शादी हुई, मैं तो विद्यार्थी जीवन से राजनीति में आ गया था। तब शादी हुई, शादी होने के बाद मेरी पत्नी पढ़ी लिखी थी, उनको लखनऊ यूनिवर्सिटी में जॉब, वो लेक्चरर हो गई जी। फिर वो भी अपना कमाने लगी तो मुझे बहुत चिंता भी नहीं रहती थी, घर के दायित्व निभाने लगी जी, जी, जी। और मेरे काम मेरी विधायकी से और उससे चलते लगा। लेकिन हम कुल मिला के हम दोनों लोग मिलकर के काम किए, राजनीति में उनकी कभी रुचि नहीं रही और बच्चों को राजनीति से बहुत दूर रखा उन्होंने। लेकिन ये मेरे लिए तो कम से कम घर के दायित्वों का हर तरह से, बेटियां थी बेटियों की पढ़ाई लिखाई इंतजाम अच्छे स्कूल में पढ़ाना अच्छा सा, तो वो सब उनका काम रहता था। पर मेरी राजनीति में बहुत ज़्यादा उनका कोई सर उनकी रुचि भी नहीं थी, हस्तक्षेप भी नहीं था। सर राजनीति में तो परिवार के लिए समय निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि शेड्यूल ही इतना बिजी रहता है कभी कोई प्रोग्राम, तो सर बच्चों को या फैमिली को इस चीज़ से कभी कंप्लेंट हुई आपसे? कंप्लेंट तो निरंतर आज भी कंप्लेंट है, कहती कि मैं तुम्हारे चक्कर में रिटायर हो भी हो गई यूनिवर्सिटी से, दिल्ली आती हूँ और दिल्ली में तुमसे मिलते समय सोते समय ही भेंट होती है, और यहाँ से कभी नाश्ते के टेबल पे भेंट हो जाए ना बाकी दिन भर यहाँ भी आप, तो क्या फ़ायदा मेरे आने से, मैं लखनऊ ही रहूँ, मैं तो इसलिए आती हूँ कुछ समय आपके साथ कम से कम सुबह की चाय पी लें। मैं सुबह टहलने चला जाता हूँ 5 बजे 5:30 बजे, तो वो भी सुबह चाय का टाइम नहीं रहता, वो उसके बाद नहा के पूजा करने लगती है, फिर मेरा निकलने का समय हो जाता है पार्लियामेंट के कहीं, तो अपने ही घर में अपने ही परिवार से मुलाकात वो चीज़ तो आज भी शिकायत है। लेकिन फिर भी मेरा, लेकिन मेरा ये रहा कि वो हमेशा मेरे साथ, क्यों लखनऊ यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाती थी, लखनऊ ही मेरी भी राजनीति का मुख्यालय रहता था, तो साथ रहना तो साथ ही होता था। सर आपके पिताजी भी राजनीति में रहे हैं, आप भी बहुत आप भी राजनीति में राजनीति बड़ी राजनीति का हिस्सा रहे, तो सर कोई खास पल आपके पिताजी के साथ जो आपके लिए बहुत खास है राजनीति उसमें? पिताजी का देखो, जो हमारे पिताजी बहुत ईमानदार व्यक्ति थे, वो बहुत कर्मठ व्यक्ति थे जी, और एक तरीके से मैं कहूँ कि वो बहुत दृढ़ चरित्र था और बहादुर थे जी, वो कभी से दबते नहीं थे जी, और अपनी वैचारिकता, तो उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, ईमानदारी से सार्वजनिक जीवन को जीना। कभी किसी के किराए से भी, कभी हरदोई या लखनऊ गए होंगे किसी काम से तो किराया भी अपना अपने आप देकर के ही गए होंगे उससे नहीं, तो वो सब चीज़ें संस्कार में मिली, सेवा भाव। मैं देखता था सवेरे पिताजी उठते थे, सवेरे 10 लोग दरवाजे पे आ गए, उनकी बात सुनना, किसी की थाने की समस्या किसी की तहसील उसके लिए कहना, उसकी चिंता करना, तो शुरू से जो सामाजिक जीवन का परिवेश था वो पिताजी से सीखने को हमें मिला। और हमारे पिताजी उस समय के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट थे उस युग के, तो उनकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा में, मुझे याद है कि मेरी जो चिट्ठियाँ जाती थी वो पत्र लिखते और उसको वो पढ़ते थे, पढ़ के उसमें जितनी गलतियाँ होती स्पेलिंग मिस्टेक होती वो सारी करके दोबारा लिखते थे, ये तुमने गलत करी है, ये गलत संदेश से पहले आपको करेक्शन, मतलब एक तरीके से वो लगातार मेरे गाइड फिलोसफर और सारी चीज़ रहे। राजनीति में उनका अग्रह थे, लेकिन बाकी चीज़ों में हमको हर चीज़ का और उनके जो अनुभव थे सामाजिक जीवन के, वो भी कहा करते थे बेटे राजनीति बड़ा बियाबान है, इसका कोई निश्चित भविष्य नहीं है, हमने तो पूरा जीवन दे दिया और विधानसभा तक नहीं पहुंच पाए जी। कई बार लोग जबरदस्ती अनजाने में दुश्मन बन जाते हैं, कभी कौन सी चीज़ें बाधक, मैं किसी के पीछे किसी की झोला लेके नहीं चलता हूं, इसलिए नेता मुझे हमेशा मौके पर काट देते, हमेशा वो कहते थे राजनीति बड़ी क्रूएल है जी।
तो बहुत कुछ उन्हीं से सीखने को मिला, उनसे कम से कम जीवन के मूल्य उनसे मिले। सर आज का युवा, आपने अपने युवा टाइम से राजनीति करी है, युवा अवस्था में आपने राजनीति कर दी, तो सर आज का युवा राजनीति का हिस्सा नहीं बनता? आप जो आज के युवा की बात कर रहे हैं वो राजनीति से दूर अपना बिजनेस पे फोकस करता है, जॉब पे फोकस करता है, पर भारतीय राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहता, ऐसा क्यों सर? देखिए दो बातें हैं जी। एक तो आज की राजनीति बहुत महंगी हो गई जी, बिना आर्थिक संपन्नता के राजनीति करना बड़ा कठिन है जी। सामान्य सामाजिक कार्यकर्ता को बड़ी देर में पहचान, अब बहुत कम पार्टीज है, भारतीय जनता पार्टी जहाँ कार्यकर्ता को जरूर स्थान मिलता है और सामान्य कार्यकर्ता किसी ऊंचाई तक जा सकता है मेहनत के बतौर, लेकिन बाकी अन्य राजनीतिक दलों की स्थिति यह है कि वहाँ कार्यकर्ता भी अगर वैभवशाली नहीं है तो आगे उसको बढ़ने का अवसर नहीं मिलते। तो राजनीति में भी अगर आपको ससम्मान जीना है तो आपको अपने को आर्थिक पक्ष को भी मजबूत रखना चाहिए, कम से कम स्वावलंबी होना चाहिए, क्योंकि राजनीति में जो लोग काम करते हैं उनको कम से कम अपना बोझ राजनीति पे नहीं डालना चाहिए, अपने दायित्वों के लिए, अपने आवश्यकताओं के लिए कम स्वावलंबी होना चाहिए, तभी राजनीति साफ सुथरी और देर तक चल सकती है। तो उसके लिए और थोड़ा संघर्ष का है, कोई निश्चित भविष्य नहीं। आप लगातार लोग जीवन भर काम करते, पार्टी का टिकट नहीं मिला, MLA नहीं बन पाए, MP नहीं, जब उद्देश्य राजनीति में ही होता है कि हम किसी न किसी दल का, किसी न किसी हाउस के मेंबर बने, किसी सदन के सदस्य बने, लेकिन विचारों को नहीं मौका मिलता। ऐसा नहीं कि उनमें प्रतिभा नहीं है, उन्हें अवसर मिलता है तो बहुत अच्छे साबित होते, लेकिन अवसर नहीं मिलता। तो इसलिए राजनीति में बहुत निश्चित भविष्य न मान करके नई पीढ़ी, और अच्छा भी है, राजनीति के साथ साथ उनको अपने जो दायित्व है उनका भी निर्वहन करना चाहिए, सामाजिक जो दायित्व है, पारिवारिक जो दायित्व है, और देश के प्रति जो उनका कर्तव्य है, जब अच्छा करेंगे, अच्छा उद्योग चलाएंगे तो देश भी सशक्त होगा। जी जी, तो इसमें कोई बुराई नहीं, वैसे भी राजनीति में आने वालों की संख्या कम नहीं है यहाँ कोई सर, बाकी नौजवान अगर देश निर्माण में लगेंगे तो अच्छा है। सर आपका इतना लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, बहुत ही आप 7 बार विधायक, 4 बार कैबिनेट मिनिस्टर, MLC, आज राज्यसभा सांसद हैं, तो सर इतने लंबी जर्नी में सर आपका खास मोमेंट क्या रहा है? आप किस राजनीति के हिस्से को आज भी खास रखते हैं कि मेरी लाइफ का बहुत ही प्रीशियस मोमेंट है? देखिए लोगों का काम करना, लोगों के बीच अपना, जब जैसे विशेष विभाग का दायित्व तो मिला जी, उस विभाग में वहाँ की जो वर्षों की समस्याएं, वर्षों की कठिनाइयां, उनका समाधान करके उसको कैसे लोगों के लिए और अधिक उपयोगी और सार्थक कैसे बनाया जाए, काम करने वाले विभाग के लोगों को सबको जोड़ करके एक टीम स्पिरिट पैदा की जाए, तो उससे एक बड़ा आनंद आता था। और लोग कहते थे कि ऐसा इस विभाग में इससे पहले ना कभी हुआ है ना आगे कभी होगा, जो जो विभाग मेरे पास रहे हैं, चाहे उस विभाग का पूरा ब्यूरोक्रेसी से लेकर के पूरे कर्मचारी हों, चाहे जनता हो जो विभाग से लाभान्वित होती, वो आज भी यह याद करती, जो विभाग मेरे पास 40 साल पहले भी था उसके बाद भी बच्चे बच्चाए लोग कहते हैं कि इसका काम इस तरीके कभी नहीं हुआ, और जो 20 साल पहले था उसके भी, और आज भी वो लोग मुझे बहुत आदर की दृष्टि देखते हैं, तो मुझे बड़ा संतोष होता है। सर आखिरी पड़ाव की तरफ चलते हैं, आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं, सर आपकी अपनी राजनीतिक जीवन के अनुभव से जो लोग राजनीति में आ रहे हैं या देश का युवा राजनीति में जुड़ रहा है कहीं ना कहीं, तो सर उसे राजनीति को अपने जीवन में किस रूप से लेना चाहिए, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो मेरा तो मानना है कि जो नई पीढ़ी आ रही है उसको कम से कम सेवा के भाव से राजनीति में आना चाहिए, और राजनीति में वैचारिक प्रतिबद्धता होनी चाहिए, जिस विचारधारा से हम जुड़ रहे हैं उसके प्रति हमारा समर्पण भी होना चाहिए, और केवल सतही तरीके से नहीं, हम उस विचार से मन और विचार से प्रभावित होंगे तभी वो वैचारिक प्रतिबद्धता होगी, और सबसे बड़ी बात धैर्य की आवश्यकता जी। राजनीति में बहुत कम भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको तत्काल, लेकिन उस बिना संयम अगर खो देंगे आप, धैर्य खो देंगे, तो राजनीति में आप बहुत दूर तक नहीं चल पाएंगे, तो कई बार उतार चढ़ाव आते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है, और राजनीति में ऊंचाइयों तक जाने के लिए लंबे संघर्ष के लिए भी तैयार होना होता है, भाग्य आपके साथ, राजनीति में भाग्य का भी बड़ा जी जी अपना स्थान है, और भाग्य प्रबल होता है तो सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं और सारे सिद्धांत रखे रह जाते हैं, दोनों चीज़ें हैं, प्रयास, परिश्रम और भाग्य और संयम जी और भाग्य, ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो राजनीति चमक अपने आप आती है। बताइए मोदी जी ने सारी राजनीति, सारे जीवन जी, संगठन का काम किया जी, समाज का काम किया, और राजनीति में 2000 के बाद आए जी, 2000 के बाद सक्रिय राजनीति आए, और आज देखिए काम तो सारे दायित्व, तो उन्होंने अपने को इतना परिपक्व किया,
वैचारिक प्रतिबद्धता इतनी मजबूत थी कि सारे समय तक वो एक बार भी विधानसभा नहीं लड़े, लोकसभा नहीं लड़े, लेकिन पार्टी के काम में, संगठन के काम में, पार्टी के विचारों को फैलाने में सारा जीवन समर्पित कर दिया। ये बहुत बड़ी अपने आप में एक बड़ी चीज है ना जी। 2000 में आए पार्लियामेंट विधानसभा में तो इसका मतलब कितना, केवल विधानसभा और लोकसभा ही नहीं है, इसके अलावा जी संगठन से काम, अपनी समाज सेविकता जो है वो बनी रहनी चाहिए, लोगों से लोकप्रिय। हाँ, लेकिन ये काम भी देखिए सब जगह संभव नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ आम कार्यकर्ता किसी ऊंचाई तक जा सकता है। जो यहाँ बूथ अध्यक्ष थे अमित शाह जी, और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने जी। एक बूथ के अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। रामनाथ कोविंद एक मामूली से कार्यकर्ता थे और राष्ट्रपति होकर के रिटायर हुए। द्रौपदी मुर्मू, अभी आपने देखा होगा, झाड़ू लगाती थी अपने, इसको मामूली से एक क्लर्क से जीवन शुरू करने वाली आज राष्ट्र की राष्ट्रपति है। तो ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। यहाँ वैभव और वो नहीं, यहाँ आपका परिश्रम, आपकी निष्ठा, वैचारिक प्रतिबद्धता आपको किसी ऊंचाई तक ले जा सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में हो सकता है और किसी दल में नहीं जी। और तो दलों में जहाँ पार्टी के टिकट बेचे जाते हैं, एक कार्यकर्ता 5 करोड़ 10 करोड़ दे के कैसे विधानसभा लोकसभा का टिकट पाएगा, कहाँ से लाएगा 10 करोड़? तो 10 करोड़ जब खर्च करने वाले तो वही आएंगे ना, बिल्डर आएंगे, तमाम ठेकेदार आएंगे, वही सब लोग आते हैं, वही टिकट खरीदते हैं और MLA MP बन जाते हैं। तो राजनीति को दूषित करने में भी इस पैसे की बड़ी भूमिका रही है। तमाम ऐसे दल जिन्होंने अपनी दुकानें खोल दी, टिकट बेचने लगे, अपने जाति का वोट इकट्ठा करके और बड़े भारी सौदागर सब बन गए, और उसका नतीजा हुआ कि आज राजनीति में जो इस तरह की, जिनका कोई सेवा से मतलब नहीं, समाज इनका वैचारिक उससे कोई मतलब नहीं, किस पार्टी से, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो पैसे के दम पर MP भी हैं, MLA भी हैं, और जब अगर उनकी सरकार बनी तो और पैसा देकर मंत्री भी बन गए। तो जो सारी चीज़ें, यही लक्ष्य था उनके जीवन का, पैसा तो कमा ही रहे थे और इसके बाद राजनीति का संरक्षण मिल गया, कमाई और बढ़ गई जी। सर, लाइफ ऑफ पॉलिटिशियन आपका धन्यवाद करता है, और आपके समय के लिए हम और हमारी पूरी टीम आपका धन्यवाद करती है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया और मेरे व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी तमाम सारी चीज़ों को आपने उकेरा। सर, हमें अनुभव मिलेगा, जो लोग देख रहे हैं उनके जीवन को इस चीज़ से बहुत प्रेरणा मिलने वाली है। थैंक यू सर।